Hello friends, I am Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we will do grade 10 maths NCERT exercise 3.2 question number 7, and the code of this video is #49. The question says, draw the graph of the equation x minus y equal to 1, x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. मतलब आपको दो equations ये दे रखी हैं, इन दोनों equations का आपको graph draw करना है. Determine the coordinates of vertices of the triangle formed by these lines and x-axis. यहाँ पर x-axis जो है इस पे बहुत ज़्यादा आपको focus करना पड़ेगा and shaded region. मतलब जब आप ये lines जो है draw करेंगे ना तो एक triangle बन जाएगा. उस triangle को आपको shade करना है और उस triangle के भी उस area को shade करना है जो कि x-axis को भी cover करे. अब ज़रूरी नहीं है paper में हमेशा x-axis ही हो, y एक्सिस भी लिखा आ सकता है, तो मैं बता दूंगी अगर y एक्सिस आए तो आपको क्या करना है और उस एरिया को जो है आपको शेड करके दिखाना है. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. पहले जो है हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम 3-3 जो है वो सॉल्यूशंस लेंगे. कुछ बच्चे 2 सॉल्यूशंस भी लेते हैं, बट आई प्रेफर टू टेक 3 सॉल्यूशंस. और मतलब 3 जो है अलग अलग अल्टरनेटिव्स हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इन केस अगर आपके कोई मिस्टेक है तो 3 सॉल्यूशन में वो पता चल जाता है. अगर लाइन जो है वो सीधी आती है इसका मतलब ठीक है, और अगर zigzag आ गई तो आपका गलत हो गया. तो फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक x को लेफ्ट में ही रहने देंगे और बाकी सबको हम राइट में शिफ्ट कर देंगे. माइनस का y है तो प्लस का 1 है तो माइनस का. अब मैं इसका टेबल बनाती हूँ. एक x और y, अब यहाँ पर हम y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी. तो मैं रैंडमली कुछ भी नंबर ले सकती हूँ, आप भी कुछ ले सकते हैं, आपकी मर्जी है. मैं यहाँ पर 1 ले रही हूँ y. अगर मैं यहाँ पर y को 1 लेती हूँ तो x मेरा आएगा 0. अगर मैं y को 2 लेती हूँ तो x विल बी 1. इफ़ आई टेक y 3 देन x विल बी 2, राइट. सो ये मेरी टेबल कौन सी इक्वेशन की है, इक्वेशन नंबर 1 की. मैं यहाँ इक्वेशन 1 लिख रही हूँ, ठीक है. नेक्स्ट मेरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है. अब फिर से मैं वही कर रही हूँ, x को जो है लेफ्ट में रख के बाकी सबको राइट में शिफ्ट कर रहे हैं हम. तो x इक्वल टू, देखिए माइनस 2y प्लस का है तो इधर आके माइनस का, माइनस 12 है तो प्लस 12, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा राइट में आके. अब हम फिर से इक्वेशन 2 के कुछ सॉल्यूशंस लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर सपोज मैं वाई को 0 पुट करती हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा. 2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 0 0, और 12 अपॉन 3 एक्स मेरा 4 आ जाएगा. अब सपोज इफ आई टेक वाई 3, अगर मैं वाई को 3 लेती हूँ तो एक्स मेरा क्या आएगा, यहाँ पर आप 3 पुट करके देखिएगा माइनस 6 आएगा. माइनस 6 प्लस 12 प्लस 6 एंड प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये मेरा आ गया 2. अब मैं यहाँ पर y मैंने 3 भी ले लिया, 5 6 ले लेती हूँ. अगर मैं y को 6 नहीं, मैं 1 ही ले लेती हूँ, y को पॉइंट पे ले लेते हैं हम, कोई बात नहीं. 6 तक लेती हूँ तो थोड़ा ग्राफ मेरा बड़ा बन जाएगा. तो मैं y को यहाँ पर 1 लेती हूँ तो ये माइनस 2 प्लस 12 कितना हो गया, 10. 10 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 3.33. तो ये जो है मेरी दो टेबल बन गई हैं इन दोनों इक्वेशंस की. आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं ये इरेज कर दूंगी और हम इसका ग्राफ बनाएंगे. तो अब ये जो है हमारी 2 इक्वेशंस हैं और उनकी टेबल है जो मैंने अलग अलग जो है वो सॉल्यूशंस लिए हैं नंबर रख के. तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. जो वर्टिकल एक्सिस होती है वी कॉल इट वाई एक्सिस, एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस.
राइट साइड एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, लेफ्ट साइड एक्स की नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, और जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है दिस इज ओरिजिन 0 0, मतलब यहाँ एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दोनों के 0 होते हैं। 1 1 का गैप मैं ले रही हूँ, आप 2 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं, योर विश, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स ऑल्सो। 1 2 3 4 5 वाई के हमको कहाँ तक लेते हैं हम, वाई का ऊपर जाएंगे आप, अपवर्ड पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड जाएंगे नेगेटिव। 1 2 3 and 4, this is y axis. Left side if you will go -1 -2 -3 and so on, and if you move to downward -1 -2 -3 and so on. Now we'll do the graph of this first equation. Here you can see that x is 0 and y is 1. So x ka 0 ye point hota hai. Yahan par hum khade honge and we'll locate the point y 1. Yahan 0 hai, yahan par humne locate kiya 1. 0 1. So this is the point 0 1. Jo first wala number hota hai wo coordinate jo hai wo x ka hota hai. And coordinate of x is known as abscissa. Second coordinate जो है वो y का होता है, and the coordinate of y is known as ordinate. Next is x1 y2. अब देखिए x का 1 positive है या negative? Positive है, तो हम right में देखेंगे, x का 1 ये है, यहाँ पर आप बिल्कुल खड़े हो जाइए, यहाँ से आपको कहाँ जाना है, y के 2 पे, तो y का 1 ये है और 2 ये है, ठीक है, मैं नीचे नहीं जा सकती, अगर मैं यहाँ पर डाउनवर्ड जाऊँगी तो y का -2 आ जाएगा, बट आई हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू 2, ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2। नेक्स्ट इज x2 y3, x का 2 देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पर खड़े होइए आप, और यहाँ से लोकेट करिए y का कोऑर्डिनेट 3, यहाँ से हम और ऊपर गए, सो ये दिस पॉइंट 2, 3। नाउ यू कैन जॉइन दिस पॉइंट्स, आप स्केल से जॉइन कर सकते हैं, बट आई एम जॉइनिंग दिस बाय फ्री हैंड, तो ये मैं जॉइन कर देती हूँ, ये लाइन ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, ये लाइंस को मैं एरो मार्क कर रही हूँ, एरो मीन्स इस लाइन को आप और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इस लाइन पर मैं इक्वेशन लिखूँगी, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, बच्चे वो नहीं लिखते हैं, मैम को कैसे पता चलेगा, मैम इतने सारी आंसर शीट में से क्या आपका ही ढूंढेंगी पहले कि ये कौन सी लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, आप पहले ही सब कुछ क्लियरली मैंशन करके रखें ताकि आपका कोई भी ग्राफ में जो है वो मार्क्स डिडक्ट ना हो, ग्राफ बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इक्वेशन आ गई x-y+1=0, इसका मतलब ये लाइन जो है इस इक्वेशन की लाइन है। अब आ जाइए नेक्स्ट इक्वेशन पे, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 3x+2y-12=0। यहाँ आप देखिए x का कोऑर्डिनेट क्या है, 4, और y का 0, तो पहले हम x के 4 पे आ जाएं, ये x का 4 है, यहाँ पे रुक के आप y का 0 प्लॉट करिए, तो 4, 0, क्योंकि y का 0 भी यही होगा, अगर मैं ऊपर जाऊँगी तो 1 होगा, नीचे जाऊँगी तो -1 हो जाएगा, तो ये x का 4 है, हम y का 0 भी यहीं पर ही होगा, तो ये मेरा पॉइंट आ गया 4, 0। नेक्स्ट इज x2 y3, x के 2 पे आ जाइए, x का 2 क्या यहाँ होगा, नहीं, अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगी तो मेरी वैल्यूज माइनस होंगी, तो मैं राइट में जाऊंगी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस लूंगी, वाई बिकॉज आई द 2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, तो x का 2 यहाँ पर है और y का 3
वाई का 3 आपका यहीं पर ही होगा, ये पॉइंट 2,3, ठीक है। इसके बाद आप अगर पॉइंट आपका कॉमन भी आ जाए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज एक्स 3.3 एंड वाई 1। एक्स 3.3 आप ग्राफ पेपर में देखिएगा, आपको छोटी छोटी इस टाइप की लाइंस होंगी, उनको आप 3 तक काउंट कर लीजिएगा जैसे आपकी स्केल में होती है। तो एक्स का 3.3 ये है, और यहीं से ही हम जो है वाई के 1 पे चले जाते हैं। तो ये पॉइंट होगा 3.33,1। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रही हूँ, फ्री हैंड ज्वाइन कर रही हूँ। एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करके आप जो है ये लाइन, और मतलब इस तरीके से आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सीधी आ जाएगी, ठीक है। ये ज्वाइन हो गई हमारी लाइन। अब ज्वाइन होने के बाद देखिए आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो एक ये वाली लाइन भी आ गई इस ट्राइंगल में, ये भी आ गई, और क्वेश्चन में बोला था जो कि एक्स एक्सिस को भी कवर करे, तो ये मेरी एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, ये और ये, मैं इसको डार्क कर रही हूँ। ये मेरा ट्राइंगल फॉर्म हो गया, और मैं अब इसको शेड कर देती हूँ। कई स्टूडेंट कहते हैं, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, अगर पेपर में जो आपका आ जाए एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस, तो अब ये वाले ट्राइंगल को वो करेंगे शेड, इस लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड कर दीजिएगा ये लाइन, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल फिर वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, बट मुझे एक्स एक्सिस पूछा है तो मैं ये वाले ट्राइंगल को लूँगी। कुछ बच्चे कहते हैं, मैम ये छोटा सा भी तो ट्राइंगल है, आपने इसको क्यों नहीं लिया, ये एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, ये इस लाइन को कर रहा है, बट इस वाली लाइन को क्यों नहीं कर रहा, इस वाली लाइन को तो कर ही नहीं रहा, तो मैं ये वाला ट्राइंगल नहीं लूँगी ना, बात समझे आप। ये जो छोटा सा ट्राइंगल है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैम इसको क्यों नहीं लेते आप, ये एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, ठीक है ये वाली लाइन को कवर कर रहा है, बट इस वाली लाइन को तो कवर नहीं कर रहा ना, तो मैं इसीलिए ये वाला ट्राइंगल नहीं लूंगी, ठीक है। मैं ऐसा ट्राइंगल लूंगी जो कि इन दोनों लाइन को कवर कर रहा है और एक्स एक्सिस को, तो वो मेरा ट्राइंगल ये बड़ा ट्राइंगल है। अब मुझे इसके वर्टेसेस भी फॉर्म करने हैं, एक वर्टेसेस तो हो गया 4,0, एक वर्टेक्स आ गया मेरा 1.5,0, और एक मेरा ये वर्टेक्स आ गया 2,3, ठीक है। सो दिस इज द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स एंड एक्स एक्सिस एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। आप एक ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेटली आएगा। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।